नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी फोटो का या किसी भी इमेज का साइज को कैसे रिसाइज करेंगे। दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें हमें 50 KB, 100 KB या फिर 20 से 30 KB तक का फोटो को साइज होता है, यानी फोटो का साइज को अपलोड करना पड़ता है। वहाँ पर आप अगर आप ज़्यादा KB का आपका फोटो रहेगा तो वहाँ पर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो उसको यहाँ पर आपको सही तरीका बताऊँगा, सही तरीका से कैसे आप उस साइज को साइज करेंगे, कैसे एडिट करेंगे। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहां पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, यहां पे आप किसी भी फोटो का, किसी भी सिग्नेचर, किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज को आप कम कर सकते हैं। चाहे आपका फोटो का साइज 1 MB, 2 MB, 10 MB, 50 MB क्यों ना हो, आप उसको आसानी से 50 KB, 100 KB आप अपने मन चाहे अपने अनुसार आप उसको कम कर सकते हैं। तो यहां पे आपको दिखाने लगा, इस यहां पर आप देख सकते हैं जो कि मेरा इस फोटो का साइज मैं आपको यहां पर कम करके दिखाने वाला हूं। यहां पे आप देखेंगे इस फोटो का साइज अभी जो लगभग है, यहां पे देखेंगे डिटेल्स में, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज है अभी 1.7 MB, तो यहां पे लगभग 1 MB 700 KB का ये फोटो है। इस फोटो का साइज को मैं आपको रिसाइज करके दिखाऊंगा कैसे इसको केबी में कन्वर्ट करेंगे, वो भी मन चाहे पसंद से। यार आप अगर 50 KB में करना चाहते हैं 50 KB में कर सकते हैं, अगर आप 100 KB में करना चाहते हैं 100 KB में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना गाइस, यहां पे आप क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद क्या करेंगे, सिंपली आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहां पर सर्च करना है, यहां पे आपको सर्च करना है इमेज, IMAGE, इमेज रिसाइजर। यहां पे आपको लिखना इमेज रिसाइजर, लिख के सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहां पे आपको सबसे पहला ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इमेज रिसाइजर। बस क्या करना है आपको, सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। यहां पे आने के बाद आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट इमेज। बस क्या करेंगे, इस सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको उस इमेज, उस फोटो को चूज करना जिसका साइज को आप कम करना चाहते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, ब्राउजर पे क्लिक करेंगे। ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपका जो भी फोल्डर में आपका फाइल होगा, जो फोटो होगा, उस फोटो को चूज करना। तो चलिए यहां पे मैं अपना इमेज में आ जाता हूं। इमेज में आने के बाद गाइस यहां पे जो भी फोटो का, आपका जो भी फोटो का साइज को कम करना चाहते हैं उस फोटो को चूज करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो कि मैं इस फोटो का साइज को कम करने वाला हूं। सिंपली मैं इस फोटो पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे योर इमेजिंग अपलोड, यानी मेरा इमेज यहां पर अपलोड हो रहा है। यहां पे अपलोड करने के बाद यहां पे देख सकते हैं जो कि मेरा इमेज है, जो मेरा फोटो यहां पर अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, आपको यहां पर लेफ्ट साइड आपको नीचे में देखने को मिलेगा रिसाइज। बस क्या करना, सिंपली आपको इस रिसाइज पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा टारगेट फाइल साइज। तो यहां पे आप कितना अपना साइज रखना चाहते हैं, जो भी साइज रखना चाहते हैं, देखेंगे केबी में लिखा हुआ, बस क्या करेंगे उस साइज को आपको यहां पर लिखना है। तो चलिए यहां पे मैं आपको 100 KB यहां पे आपको लिखना है। यहां पे जो भी जितना भी केबी लिखना चाहते हैं, जितना केबी में अपना फोटो को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस केबी को लिखेंगे। जैसे मैं आप यहां पर लिखता हूं 100, तो यहां पे देखेंगे 100 KB, यहां 100 लिख दिया हूं। यहां पे केबी में ऑलरेडी पहले से केबी लिखा हुआ है, यहां पे अपना 100 लिखेंगे। आप जितना केबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहां पे लिख देंगे। लिखने के बाद गाइस क्या करेंगे, आपको यहां पर नीचे में आप देखेंगे यहां पे आपको रिसाइज का एक बटन है। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस रिसाइज बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर लोडिंग लेगा। आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, देख सकते हैं यहां पर प्रोसेसिंग ले रहा। आपको यहां पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद गाइस यहां पर देखेंगे जो कि यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे जो कि मेरा इसका ओरिजिनल जो साइज था यहाँ पे 1.17 यानी 1.7 था MB, तो यहाँ पे उसका साइज को कम करके 95 KB कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए क्या करना, डाउनलोड इमेज यहाँ पे बटन देखने मिलेगा, इस डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर आपका जो इमेज का जो कन्वर्ट किए हैं, जो साइज को रिसाइज किए हैं, वो इमेज आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको सिंपली बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा साइज कम हुआ है कि नहीं हुआ। सिंपली मैं अपना गैलरी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे फोटो आ चुका है, डबल फोटो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे फोटो आ चुका है। इस फोटो का डिटेल्स में जाता हूँ। डिटेल्स जाने के बाद यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा फोटो का साइज यहाँ पर 96 KB हो चुका है, जो कि मेरा यही फोटो लगभग 1.7 MB का था, यानी 1 MB 700 KB का था, लेकिन अब जो घटकर यहाँ पे 96 KB यानी 96 KB का यहाँ पे मेरा फोटो बन चुका। आसानी से सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आप किसी भी फोटो का, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आसानी से
अपने जो आपका जो फोटो होगा या इमेज होगा आसानी से उसको रिसाइज कर सकते हैं, आसानी से मन चाहे पसंद से आप अपने उसको साइज में बदल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से किसी भी फोटो का साइज को आप कम कर सकते हैं, चाहे 10 MB हो, 50 MB हो, 100 MB हो, यहाँ पे आप KB में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर सर का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।